मोहल्ले में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके कस्बे में और आपके घर के बाहर लेकर आए हैं शानदार चीज, मात्र 250 रुपए में पूरा घर बैठ कर खाएगा। देखे मेरी एरी जी जी, चटाई तो बढ़िया सी लग रही है। हाँ बहन, चटाई तो बढ़िया है, ले ले। तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं? हाँ? चैनल है सब्सक्राइब कर दे के रुपया आने लगा था। हाँ? अभी तक तुमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर दियो, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दियो। यार हम तुम्हारा इतने का मेहनत करके तो वीडियो बनाते हैं, फिर भी तुम्हें लाइक ना आने का। चलो तो वीडियो करते स्टार्ट। गदरिया यार, तू ये बता, हमें यहाँ धरती पे पैदा काहे को है? साली जिंदगी की नहीं पता चलता कि किस मोड़ पर चल रही है। चोरे एका गयो यूं बताए। ए यार हो तो का हो तो ना पते या दुनिया में का चल रहा है या टाइम पे नहीं? अरे तो अब तू ही बता दे। तो सुन भाई, स्कूल में जाके देखो मोड़ी मास्टर नीति सेट है। हॉस्पिटल में जाके देखो मोड़ी डॉक्टर नीति सेट है। तीन तीन चार चार मोड़ी मोड़न की मैयो 18-18 साल के मोड़े नीति सेट है। और जो लड़की स्कूल कॉलेज में ना जाते, अगर उनके फोन में नेट है तो वो इंस्टाग्राम पे सेट है। भैया ये सच्चा प्यार ना, ये साला पूरा मामला ही सेट है। बात तो सही है। हाँ यार तोता, कह तो तू सही रहे यार, जा बात है। और तो पति है मेरी सास के आज कल के 10-12 साल के मोड़ी मोड़ा आपस में सेट है। हाँ यार गदरिया भैया सही कह रहे हैं, यार बात है। साली ऐसी जिंदगी तो मज्जा में भी ठीक है। ये दुख साला देखो ना जा तो मन पे। ए यार तेरे पापा तो तोते कछु के तो ना है, और मेरे पापा तो सवेरे संजा ऐसे ऐसे प्रवचन सुनाते हैं, ऐसे ऐसे सुनाते हैं, कछु मत पूछे तू। तब देखे तब यही कहते रहते हैं कि तुम काम पंप पे ना मत सका तो यही मत करेगो घर पे। गांव के सिगम और एक काम पे चले जाते हैं पर तो पे ना मरी पत्ते। अरे तो काम पे चलो जाना, का दिक्कत है? ते मामा तो काम पे जाते बिन के सिंह, चलो जा। ए यार तोता तू मुझे नहीं ले बेगो तो कोले बेगो। यार हम BA MA कर करके बैठे हैं, मन पे तसला डरवा रहे, डर रहे हैं मन पे। यार तसला कौन की बेलदारी है रही है यार मन पे। तो यार जेठानी का काम करेगा यार कछु, तू तो अपना ही गांव में काम कर दे के काए। ए यार तोता वो तो सोचना पड़ेगा कछु काम। हाँ तो सोच ले फिर का काम करेगा का नहीं करेगा तू। वैसे यार मेरे माइंड में एक आइडिया तो हतो है, बढ़िया जबरदस्त धंधो है यो मान ले। ऐसा कौन सो आइडिया है? अरे यार अपने माइंड में चटाई भाई धंधे है बहुत दिन से सोच के बैठा हूँ। क्या इतना घटिया धंधो करेगा तू? इतनी गिरी भाई सोचती नहीं। चोरे मेरी सास के कैसे घटिया धंधो है यार, सब दुनिया कर रही है धंधो तो धंधो होते है चाहे कैसे हुए। तो मेरी सास के गदड़िया काम की का कमी आ गई है, चाहे 300 काम कर ले लेकिन ये घटिया धंधे करेगा ले बता, तेल चटाई भाई काम करेगा तू? हे मेरी सास के तू रेगा गमर्रा तो गमर्रा बिल्कुल ले, सारे तुम्हें घटिया सोच है, घटिया ही सोच रहेगी हमेशा। नहीं तो ते तेल चटाई की कब बोली मैंने? ओनली चटाई के काम की बोली है। आरामी ते गामन में जा जा के चटाई बेचेंगे मस्त, 80-90 रुपया की आते है और 200-250 रुपया की बिच करेगी। अगर 10 चटाई बिच जाएंगी तो 1000-1500 रुपया कितो ना आएगा दिन के। अरे गदरिया ये तो बहुत बढ़िया धंधो है यार, कोई दिक्कत ना यार, मैं तो भाई धंधे समझ बैठो यार, मैंने की ऐसे काम करेगा तू? सारे ते माइंड में तो हमेशा गंदगी ही भरी रहती है, हमेशा तब देखो तब गंदे ही विचार आते ते माइंड में। ए ना यार गदरिया भैया यार, अब तुम जैसे नहीं तो बिंगारो गंदी रील भेज भेज के मेरी सास के पूरे दिन दोस्त मेरे पास गंदी रील भेजते रहते हैं। हाँ चल ठीक है, अब मुझे जान दे, अब बजाते चटाई भर के लान दे और बेच भी जातू गामन में। ए यार गदरिया मुए ले चले यार बिचवा दे के कहा है तू? कल लेते चल करियो, आज मुझे अकेले जाके बेच आन दे। आओ ठीक है तो फिर कल लेते ले चल करियो मुए। हाँ ठीक है। One hour later. आज की मैचूर हो गया छोरा काले का, बूटा ने भी पट्टा चाहिए 16 साल। अंबानी तोरा चक्कर में मेरे गांव की सेटिंग टूट गई, ना करवाया रिचार्ज मैंने, जई बात पे रूट गई। बड़ा बड़ा रिचार्ज तूने गरीब जनता लूट लई, अंबानी तोरा चक्कर में मेरे गांव की सेटिंग टूट गई, ना करवाया रिचार्ज मैंने, जई बात पे रूट गई। अंबानी तोरा चक्कर में मेरी गांव की सेटिंग टूट गई। कोई बात ना है, मेरी सास की छोड़ के चली गई तो कहां गयो? अब देख ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। लावत चलन
नहीं। आ गया आपके गली और मोहल्ले में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपके कस्बे में और आपके घर के बाहर लेकर आए हैं शानदार चीज, मात्र 250 रुपए में पूरा घर बैठ कर खाएगा। देख के मेरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 250 रुपए में आपका पूरा घर बैठ कर खाएगा। प्यार का तोहफा लाए हैं। जी हाँ माता और बहनों, हम आपके गांव में लेकर आ गए हैं बाजार से सस्ती और बाजार से अच्छी कम दामों में टिकाऊ चटाइयाँ ही चटाइयाँ। दिल चोरी करके ले गई मेरी नई पड़ोस। जी हाँ माताएं और बहनाएं, सामान खरीदिए ऐसा बेकार न जाए आपका पैसा। दिल चोरी करके ले गई मेरी नई पड़ोसन यारो होली। तो दौड़ कर चले आइए हमारी गाड़ी के पास और कम दामों में छोटी बड़ी चटाइयाँ ले जाइए। अरे लल्लू कर भैया की देर हो चटाई। अरे देख ले हिसाब पे लगा देंगे। अरे पहले पैसा तो बता दे कर भैया की देर हो। 500 रुपया की दो है और 300 रुपया की एक है। अरे लल्लू तू तो महंगी देर हो, सही हिसाब पे लगा ले। अब ये ज्यादा का हिसाब पे लगाऊं, नीचे के दाम में हवाला दे के आऊं 300 रुपया में। अरे लल्लू 150 रुपया की तो 6 महीना पहले ही लई थी मन्ने। अरे तो चाची तुम 6 महीना की बात न लेके फिर रही है। देख लो तुमने लेनी हो तो 250 रुपया की लगा देंगे। ए मोटी चाची ये तो महंगी दे रहो है, हमारी मम्मी बाजार से लेके आई 100 रुपया की। ए मम्मी सही बताए नहीं। अरे हाँ मोटी चाची, हमारी मम्मी अभी लेके आई थी। चोरे मेरी सास के पित्तू लूट रहे हो, इतनी महंगी क्यों बेच रहे हो चटाई ने। एक काम करो तुम बाजार से ले लो ठीक है, तुम ना ले सकते मेरी चटाई ने। आ गया आपके गली और मोहल्ले में। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, आपके गली और मोहल्ले में आपके घर के बाहर कदड़िया लेकर आया है शानदार चीज, मात्र 250 रुपए में पूरा घर बैठ कर खाइए। क्या मात्र 250 रुपया में पूरा घर बैठ कर खाओ? जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 250 रुपए में पूरा घर बैठ कर खाएगा। लेकर बाजार से सस्ती और बाजार से अच्छी और टिकाऊ चटाई मात्र 250 रुपए में। तो देरी किस बात की, आइए हमारी गाड़ी के पास और ले जाइए 250 रुपए में चटाई। अरे भाई साहब 250 रुपया की तो महंगी दे रहे हैं, तुम 150 रुपया की चटाई आ जाते हैं। 150 रुपया भाई चटाई ना है ये। अरे ना महंगी दे रहे हैं तुम, एक मिनट रुको तुम। ओ फूलवती चाची, सामंती जी जी और रामकली अम्मा ने कही है बज के चटाई बाहर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दियो, तो प्यारी सी कमेंट कर दियो, चैनल